बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है, क्योंकि एक आशिक ने अपनी माशूका के लिए अपनी जान दे दी। तफसीलात हम आपको बताते चले। पिछले 4 साल से आशिकी चल रही थी, यानी पिछले 4 साल से तू मेरी मैना मैं तेरा तोता इस तरह का गाना चल रहा था। फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, शादी की डेट फिक्स भी हो गई। शादी डेट फिक्स होने के बाद अब कल शादी होने वाली है, उसी टाइम पर यानी एंड टाइम पर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। यह सदमा लड़का बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने खुदकुशी कर ली। भाई ऐसा क्यों किया है समझ में नहीं आता। ये कई बार हमने भी कहा था कि भाई खुदकुशी करना हराम है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, कमी थोड़ी है दुनिया में। शाहीन नगर के तोता मैना रहने वाले थे, लड़की ने इनकार कर दिया, लड़के ने खुदकुशी कर ली। तो बहरहाल बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं। शाहीन नगर में वादे सालेहीन से बात कर रही हूँ। मेरा भाई वाजिद है, जिसकी ये बच्ची पहाड़ी में रहने वाली बच्ची है। वो बच्ची को बच्चा बहुत चाहता था, 4 साल से बात करता था बच्ची से। बोलते सब 12 तारीख को बच्ची की शादी थी हमारे भाई के संग। शादी के टाइम पे अचानक बच्ची नहीं बोलने से मेरा भाई जो है फांसी ले लिया। हम लोग जाके बहुत मनाने की कोशिश करे वो बच्ची को, हर चीज करे, मगर वो बच्ची भी और बच्ची के वालिदा वालिदुल्ला का भी नहीं माने। आज उन लोगों की तरफ से ऐसे खामा करके पूरे मेरे भाई के संगत नहीं कर लेती हूँ बोल के मेरे भाई को टॉर्चर करके मेरे भाई को मार डाली उन्हें। पहाड़ी में रहने वाली बच्ची है ये, मेरा भाई वाजिद है। उनकी 24 साल उम्र आती, 22 साल 24 साल उम्र आती, उनके छोटा बच्चा था। आज 11 बजे के टाइम कर लिए, नहीं कर लेती बोले बाद में। मेरे भाई को फोन कर रही थी, मैसेजा कर रही थी इन्हें, क्या क्या बोल के मैसेजा कर रही थी, फोन कर रही थी, मैसेजा भी है उसके। नहीं क्या टाइम दिया है, जो है घर में कोई भी नहीं था, आप लोग हैंगिंग करे तो? नहीं गए हुए थे, 2-3 बहना थे उधर थे, ऊपर आके चाय दिए उनको, चाय पी लेते हुए ऊपर आए थे। ऊपर से उससे फोन पे बात करी, क्या करी अल्लाह जानता। ये बच्ची 12 तारीख को शादी थी, लव मैरिज थी। एक 2 साल से भी नहीं देखी है भैया आप लोग, ये बात मैं बता रहे ना। शादी को 10 में आधा घंटा था, शादी को आधा घंटा था जमीज करे। आज हमारा भाई चले गया, हमारे को तकलीफ हो रही है ऐसे बच्चियों के तरफ से, दूसरे बच्चों के संगत था होना ऐसा करे, जाके आए हम लोग। 4 साल से उसकी कमाई कहीं भी बची है, ये जो भी कमाता था करता था उसको। पहाड़ी बालापुर पीएस, पहाड़ी पीएस से मैं गुजारिश करती हूँ, जो हमारी बच्चे भाई के संगत हुआ, जो हमारे बच्चे के संगत हुआ, किसी और बच्चे के संगत नहीं होना। इसके लिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप लोग। एक बच्ची नहीं है वो लोग, 4 या 5 बहना है उन लोग, और कितने मासूम बच्चों के जाना लेते नहीं मालूम। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। आज हमारा घर में ऐसी हालत हो गई, शादी का घर मैयत का बना दिए तो किसी के घर में और ऐसे काम नहीं होना चाहिए। वालिद नहीं है हमारे, वालिद हार्ट पेशेंट है, हमारे अम्मी की दुनिया की तबीयत खराब है। आप देख सकते हैं हमारे अम्मी की हालत। सुबह में छोटा भाई था हमारा, कितने भाई बहन है? 4 भाई हैं 6 बहनें। सुबह में छोटे थे, सुबह की शादी हो गई। शादी थी उस दिन जो है, आप लोग कंप्लेंट ना करे हम लोग जाके दुल्हन नहीं बोल रही बोल के। पहाड़ी पीएस में भी गए, बालापुर पीएस में भी गए, दोनों में भी गए थे हम लोग। ऐसे की बात ऐसी हो गई बोल के बच्ची नहीं बोलती ना, अम्मा कुछ भी नहीं कर सकते बोल के बोले हमारे को। नहीं बोल, दोनों बातें कर ले रहे थे, 4 साल से बात करते थे तो कब बात नहीं करे होंगे। दोनों मिल गए दूसरे के संगत भी है बल्कि मेरे भाई के उसके चल रहे थे वैसा। इनसे मेरे भाई से बात करते हुए और किसी बात कर रही थी वो अल्लाह ही जानता, हमारा को नहीं मालूम। मगर हमारा भाई तो चले गया। हम पहाड़ी पी ऐसे वो पी ऐसे गुजारिश करते हैं, हमारे जैसा हर घर में वो सनको हो जरा बताओ। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी
सफा गारमेंट्स के साथ मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी टॉप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तियाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज, हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।